प्लस थ्री एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो। तो ये है और थ्री इंटू एक्स प्लस वन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो ये वैल्यू दे रखी है हमको एफ एक्स की। अब वो कह रहे हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स बताइए। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस निकालेंगे अब, और जीरो माइनस भी निकालेंगे और जीरो प्लस भी निकालेंगे। ठीक है, तो देखिएगा जैसे मैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस निकालता हूँ तो इसका मतलब मुझे एक्स लेस देन जीरो वाली कैटेगरी में आना पड़ेगा। फंक्शन की वैल्यू मुझे ये लेनी पड़ेगी टू एक्स प्लस थ्री। तो यहाँ लिखें लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस टू एक्स प्लस थ्री। एक्स की जगह आप जीरो डाल दीजिए, टू इंटू जीरो प्लस थ्री, तो रिजल्ट आ गया थ्री। फिर निकालें लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस। तो जीरो प्लस का मतलब यह है कि एक्स आपका जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो एक्स आपने जीरो से बड़ा निकाल लिया, तो जब जीरो से बड़ा निकालेंगे तो भी उसकी वैल्यू जो है वो थ्री इंटू एक्स प्लस वन है। इसकी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू जब वो एक्स जीरो से बड़ा है, फिर एक्स की जगह आप जीरो डालेंगे तो थ्री इंटू जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन इज वन, वन इंटू थ्री इज थ्री, ये हो गया। ठीक है, और जब कभी हमको ये देखना होता है, जैसे अभी तक हमने ये देखा था कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस और एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस अगर इक्वल नहीं आते हैं तो हम ये कह देंगे कि वो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हम ये बोल दिया करते थे। यहाँ पर तो ये वैल्यूज इक्वल आ रही है, तो एक तीसरी वैल्यू भी निकालेंगे। ये हो गया एक्स जीरो से छोटे पर, ये हो गया एक्स जीरो से बड़े पर। जब एक्स एग्जैक्टली जीरो होगा तब वैल्यू क्या होगी वो देखिएगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो अगर करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स अगर ये करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये एक्स जीरो के इक्वल कब है, एक्स जीरो के इक्वल भी इसी कैटेगरी में होगा। देखिए क्या है, लेस देन वाले में भी यही फंक्शन देना है और ग्रेट इक्वल टू वाले में भी यही फंक्शन देना है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो टू एक्स प्लस थ्री, तो वही है कि आपने एक्स की जगह जीरो लिया तो टू इंटू जीरो प्लस थ्री, ये रिजल्ट भी थ्री ही आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आ गए। तो आप ये कहेंगे देयरफॉर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स, ये तीनों इक्वल हो गए। तीनों किसके इक्वल हो गए, थ्री के इक्वल हो गए। ठीक है, तो ये तो एक्स टेंडिंग टू जीरो की वैल्यू होगी। ये समझ में आ गया, बताइए ये तीनों वैल्यू इक्वल, हाँ ये तीनों वैल्यू इक्वल होनी जरूरी है। अगर इनमें से एक भी अनइक्वल हो गई तो मैं ये कह दूंगा कि लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करती। फंक्शन पर वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये तीनों इक्वल होने चाहिए तभी हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगा और जो वैल्यू आएगी वही उस लिमिट की वैल्यू कहलाएगी। क्लियर है, आराम समझ गए? ठीक है, अब अगला देखते हैं। इसके बाद जरा देखिएगा, इसमें इसी में वो पूछ रहे हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एफ एक्स, ये निकालिएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एफ एक्स, ये आपको निकालना है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एफ एक्स का मतलब क्या है कि ये तो वन है, तो वन पर हमको कुछ ऐसा नहीं दे रखा है कि वन से बड़ा होगा फंक्शन, जब एक्स की वैल्यू वन से बड़ी होगी तो फंक्शन की वैल्यू कुछ और, वन से छोटा होगा तो कुछ और वन के बराबर होगा तो कुछ और, तो ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। तो इस पर तो सीधा सीधा निकालेंगे, ये देखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन का मतलब क्या है कि एक्स जब वन के आसपास होगा, वन से जरा सा बड़ा, वन से जरा सा छोटा, मतलब टेंडिंग टू वन होगा। तो जब वो टेंडिंग टू वन है तो फिर जीरो से तो बड़ा ही होगा ना, टेंडिंग टू वन क्या हो गया, मतलब लगभग लगभग एक्स वन के बराबर है। तो एक्स जब वन के बराबर हो गया तो किस कैटेगरी में लाई करेगा, ग्रेटर देन जीरो। तो एफ एक्स की जगह आपको ये रखना है थ्री इंटू एक्स प्लस वन। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एफ एक्स की जगह रखना है थ्री इंटू एक्स प्लस वन। अब
x की वैल्यू कितनी है 1, उसको यहाँ डाल दीजिए 3 इंटू 1 प्लस 1, तो 3 इंटू 2 ये कितना हो गया 6। बोलिए जी, क्लियर? यस सर। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, अगर और बताइए, और कोई डाउट है? 10.2, 10.1, 10.2 कहीं पर कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं, नहीं। अब देखो जरा एग्जांपल, तो फिर वही है, एग्जांपल्स मैं छोड़ रहा हूँ, मैं सीधे क्वेश्चंस पर आ रहा हूँ। एक्सरसाइज 10.3 पर, एक्सरसाइज 10.3 पर क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। एक्सरसाइज 10.3 का क्वांटिटी, क्वांटिटी के लिए कोई कंसेप्ट नहीं है, सीधा सीधा एक कंसेप्ट है कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों अगर इक्वल आ रही हैं तो मैं बोलूँगा कि मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अगर वो तीनों वैल्यू इक्वल नहीं आ रही हैं तो हम बोलेंगे वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो आपको बस ये देखना है कि लिमिट एग्जिस्ट करे, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आनी चाहिए। अगर उनमें से एक भी अनइक्वल आएगी तो हम बोलेंगे फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूस है। तो ये जो थर्ड एक्सरसाइज है, इस थर्ड एक्सरसाइज में कोई नया कंसेप्ट नहीं करना आपको, लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, बस वही वाला कॉन्सेप्ट करना है। तो नया कुछ नहीं सीखना, पुराना ही है बस। क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा दे रखे हैं, लेकिन कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ उधर से, और इस तरफ स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ जी, एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का जरा फर्स्ट पार्ट देखें। फर्स्ट पार्ट में है fx is equal to x³ + 3। X is not equal to 0. When x is equal to zero. तो at x is equal to 0 comma लिखा हुआ, आगे करके लिखा हुआ है at x is equal to 0, मतलब आपको x is equal to 0 पर चेक करना है। आप क्या करें, लिमिट x टेंडिंग टू, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, इसमें आप क्या लिखेंगे, लिमिट किस पर चेक करना है, x इज इक्वल टू 0 पर, तो आप लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस। ठीक है, 0 माइनस का मतलब क्या है कि जब x 0 से छोटा होगा तो वो किस कैटेगरी में लाई करेगा, 0 से छोटा होगा, यानी कि 0 के इक्वल नहीं है, 0 से छोटा है मतलब 0 के इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल टू 0 वाली कैटेगरी में लाई करेगा। x³ + 3 फंक्शन की जगह आप रख देंगे x³ + 3, तो यहाँ देखिएगा x³ + 3, ठीक है, x की वैल्यू क्या है, 0, x = 0 पर चेक करो, तो इसको डालो 0 का क्यूब प्लस 3, तो रिजल्ट कितना आ गया, 3 आ गया। फिर राइट हैंड लिमिट निकालोगे, वो छोड़ो, आप फंक्शन की वैल्यू निकालो सीधा, मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स, तो इसको तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो अगर x की वैल्यू 0 है, यानी कि अगर एक्सटेंडिंग टू 0 है और एफ एक्स ये निकाल रहे हो, तो एफ एक्स की वैल्यू तो सीधा सीधा 1 है, तो ये हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और एफ एक्स की जगह आपने रख दिया 1। इसका मतलब क्या है कि भाई x टेंडिंग टू 0, तो x की वैल्यू 0 रखने के लिए यहाँ कुछ है ही नहीं, तो ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है, इसका रिजल्ट क्या आ गया, 1 1 आ गया। तो हम ये कहेंगे सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स, सो एफ एक्स इज not continuous or discontinuous,
x इज इक्वल टू जीरो के एफ एक्स जो है वो x इज इक्वल टू जीरो पर डिसकंटीन्यूअस है। ऐसे ही मैं इसका सेकंड पार्ट देखूंगा, इस तरफ कर रहा हूँ सेकंड पार्ट। समझ गए बेटा तीनों बच्चे? बताइए। यस सर। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्या बोल रहे हैं? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एट एक्स इज इक्वल टू वन। एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एट एक्स इज इक्वल टू वन। तो इसमें आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स। ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स की जगह यही आ गया एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि मैंने यही फंक्शन रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि वो कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू वन पर आपको इस फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है कि ये कॉन्टीन्यूअस है या नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो मुझे कुछ ऐसा दे ही नहीं रखा है कि वन से कम पर फंक्शन की कुछ वैल्यू कुछ और, वन से ज़्यादा पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और। देखिए, जब मुझे ये पूछा जाता है कि कॉन्टीन्यूअस किस पर चेक करना है, वो बोल रहे हैं x इज इक्वल टू वन पर आपको कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है कि वो कॉन्टीन्यूअस है या नहीं है, ये आपको चेक करना है x इज इक्वल टू वन पर। तो वो आप चेक कैसे कर पाएंगे जब आपको दे रखा हो कि वो वन से ज़्यादा पर कुछ और है और कम पर कुछ और है। जैसे यहाँ पर x इज इक्वल टू जीरो पर चेक करवा रहे थे, तो मुझे पता था कि जब x जीरो से कम है तो इस कैटेगरी में लाई करेगा, जब एग्जैक्टली जीरो के बराबर है तो इस कैटेगरी में लाई करेगा। तो चक्कर क्या है कि यहाँ पर ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा है, तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, तीनों के लिए मुझे फंक्शन की वैल्यू यही लेनी है, तो रिजल्ट भी तो सेम आएगा। देखो, x की वैल्यू जीरो डाल देनी है बस यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, जीरो का क्यूब प्लस टू इंटू जीरो का स्क्वायर माइनस वन। जीरो का क्यूब इज जीरो, टू इंटू जीरो इज जीरो, रिजल्ट क्या आ गया, माइनस वन। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ एक्स, तो भी फंक्शन यही, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। बोलिए सर, क्वेश्चन में तो दे रखा कि x इक्वल्स टू 1, बट हम 0 भी क्यों निकाल रहे हैं? अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने गलत लिख दिया, 1 पर करेंगे, सही कह रहे हैं, 1 माइनस, ध्यान नहीं दिया मैंने, आप x की जगह 1 डालेंगे, बिल्कुल सही। तो ये हो गया 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 प्लस टू माइनस वन, माइनस वन प्लस वन कट गया, रिजल्ट इज टू। ऐसे ही यहाँ पर वन प्लस, तो माइनस तो होगा ना, पहला वाला जीरो होगा ना, लेकिन वन माइनस पहला सेकंड साइड का। नहीं, वन माइनस का मतलब क्या है कि वन से थोड़ा सा कम, वन से थोड़ा सा कम का मतलब क्या है कि हमको एक्स की वैल्यू वन ही लेनी है, समझ रहे हैं? तो वन का क्यूब तो वन ही होगा ना, और वन का स्क्वायर भी वन ही होगा, तो टू इंटू वन इज टू, और माइनस वन, तो वन माइनस वन कट गया, टू आ गया, समझ गए? यस। चलिए, अब ऐसे ही यहाँ पर डालें एक्स की जगह वन डालें, फिर से वन क्यूब प्लस टू इंटू वन का स्क्वायर माइनस वन, तो अगेन इसका रिजल्ट भी टू आ रहा है। ऐसे ही अगर फंक्शन की वैल्यू लिखनी हो, मतलब मेरे पास तीनों के लिए एक ही फंक्शन दे रखा है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx की जगह डाल दीजिएगा x क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो वही 1 क्यूब प्लस टू इंटू 1 का स्क्वायर माइनस वन, तो रिजल्ट इज 2। तो 2 आ गया, तो हम ये कहेंगे देयरफॉर, यहाँ लिखिएगा सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx is equal to limit x tending to 1 plus fx,
इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 और fx, ये तीनों ही क्योंकि इक्वल है तो हम ये कहेंगे देयरफॉर fx इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पर fx कंटीन्यूअस हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा प्रूव दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड एट x इज इक्वल टू 5। तो आप ये देखिएगा कि इसमें भी कोई अलग अलग वैल्यूज नहीं दे रखी हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका चाहे x इज इक्वल टू 0 पर निकालोगे तो भी सेम वैल्यूज आएंगी, आप x इज इक्वल टू 3 पर निकालेंगे, 5 पर निकालेंगे, सब पर वैल्यू सेम आएगी, माइनस 3 पर प्लस 1 पर। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो सीधा सीधा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैं 3 भी छोड़ रहा हूँ 4 भी छोड़ रहा हूँ, जिसको आप ट्राई करना अपने आप, ठीक है। और मैं करवाऊँगा क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊँगा, 6 करवाऊँगा, एक मिनट वेट करिए, मैं एक मिनट में आ रहा हूँ। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूँ। उन्होंने बोला इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 8 एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड 2k इफ एक्स इज ग्रेटर देन 5 फाइंड k सो दैट f मे बी कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। तो इन्होंने ये कहा है कि आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन सच अ वे कि आपको x जो है एफ एक्स जो है वो x इज इक्वल टू 5 पर कंटीन्यूअस दे रखा हो। तो जरा देखिएगा ये है क्वेश्चन नंबर 5 5 में एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 8 3x माइनस 8 दे रखा है व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5 एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5 फिर 2k है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 5 फाइंड k सो दैट f मे बी कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। So, since it is given that fx is continuous at x is equal to 5, therefore greater than 5 का मतलब क्या right hand limit? तो लिखेंगे limit x tending to 5 plus
एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू फाइव माइनस एफ एक्स, एट एक्स इज इक्वल टू फाइव पर वो कंटिन्यूअस दे रखा है, तो है क्या ये, अगर वो कंटिन्यूअस है तो उसकी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन पर वैल्यू, वो तीनों के तीनों इक्वल होने चाहिए, तो वो इक्वल होंगे। अब वो कह रहे हैं कि भाई आप k की वैल्यू निकालनी है, तो जब लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस है तो एफ एक्स कितना होगा 5 प्लस, यानी कि x इज ग्रेटर देन 5, तो फिर आप एफ एक्स की जगह क्या लिख देंगे 2k, तो लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस और यहाँ पर आपने लिख दिया 2k, लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस, और ये जो एफ एक्स है मतलब जब x 5 से छोटा होगा, जब x 5 से छोटा होगा तो fx की वैल्यू क्या है 3x-8। अब क्या है ये x की वैल्यू 5 डालनी है यहाँ पर, तो यहाँ पर कहीं पर x है ही नहीं, तो 5 कहाँ पर डालेंगे वैल्यू, डालेंगे ही नहीं, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू एज इट लिख दी जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू 5 माइनस का मतलब तो ये है कि जब x 5 से छोटा होगा तब फंक्शन कितना, एक्चुअल में तो x की वैल्यू 5 ही डालनी है, तो x की जगह यहाँ 5 डाल दीजिए, 3 × 5 - 8, तो 2k is equal to 3 × 5 = 15, 15 - 8 = 7, तो k की वैल्यू क्या होगी 7/2, बताइए जी, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा तीनों को। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऐसी अननोन वैल्यू पूछ रहे हैं, उन्होंने बोला है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो अननोन वैल्यू जो है वो बताइए, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू x² - x - 6 माइनस एक्स माइनस सिक्स अपॉन x² - 2x - 3, when x is not equal to 3, और k when x is equal to 3, ये है, find k so that the function f may be continuous at x is equal to 3, may be continuous at x is equal to 3, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, e since fx is continuous at x is equal to 3, therefore limit x tending to 3 minus fx is equal to limit x tending to 3 or fx, ये तो अब आप ये देखिएगा कि x tending to 3 minus को x tending to 3 क्यों लिखा, क्योंकि x is equal to 3 पर तो वैल्यू है k, और x अगर 3 से छोटा है तो भी फंक्शन यही, x अगर 3 से बड़ा है तो भी फंक्शन यही, ठीक है, सेम फंक्शन, क्योंकि x not equal to 3 का मतलब ये है कि x या तो 3 से बड़ा होगा या 3 से छोटा होगा, तो मैंने 3 से छोटे वाला ले लिया, तो 3 से छोटे वाले के लिए फंक्शन वही लिखना है हमको, तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा, लिमिट x tending to 3 minus fx की जगह लिखिएगा x² - x - 6 upon x² - 2x - 3 is equal to limit x tending to 3 और fx की जगह क्या आ जाएगा कि, अब देखिएगा अब x की वैल्यू सीधा सीधा 3 डालनी है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6 अगर ये डाल देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 2 × 3 = 6 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9, तो ये 0/0 की फॉर्म आ जाएगी, इसका मतलब क्या है कि मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर फैक्टराइजेशन करना होगा, तो यहाँ लिखिएगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस, फैक्टराइजेशन करने के बाद उसकी वैल्यू डालेंगे, तो जो हमारा ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, x² - 3x
प्लस टू एक्स माइनस सिक्स, समझ गए? माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स हो जाएगा माइनस एक्स, माइनस थ्री इंटू प्लस का टू हो जाएगा माइनस का सिक्स, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स कैसे बनेगा? यहाँ लिखो माइनस थ्री एक्स प्लस वन एक्स, माइनस थ्री एक्स प्लस वन एक्स बन जाएगा माइनस टू एक्स, और माइनस थ्री इंटू प्लस का वन बन जाएगा माइनस थ्री। और जब x टेंडिंग टू 3 डालना है यहाँ पर, तो डालने का यहाँ पर x तो है ही नहीं कहीं, तो k एग्जैक्ट वैल्यू आ गई k। फिर ये जो है लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस एज इट इज लिखो, इसको यहाँ तक समझ रहे हैं ना तीनों? बताइए। यस सर। ठीक है, और आप समझ रहे हो? मैंने इन दोनों में x ले लिया कॉमन, x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? x माइनस थ्री। इन दोनों में मैंने ले लिया प्लस का टू कॉमन, तो यहाँ क्या बचा? x माइनस थ्री। इन दोनों में भी इसी तरीके से मैंने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? x माइनस थ्री। और इन दोनों में प्लस वन कॉमन ले लिया, x माइनस थ्री इज इक्वल टू k, लिमिट x टेंडिंग टू थ्री माइनस x माइनस थ्री इंटू x प्लस टू अपॉन x माइनस थ्री इंटू x प्लस वन इज इक्वल टू k। x माइनस थ्री से x माइनस थ्री कट गया, अब वैल्यू डाल दीजिए, थ्री डालनी है एग्जैक्ट वैल्यू, तो ये क्या हो गया? थ्री प्लस टू अपॉन थ्री प्लस वन इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू क्या आ गई? फाइव अपॉन फोर। बताइए, समझ गए? ठीक है, तो k की वैल्यू 5 अपॉन 4 आ गई। अब इसी तरीके से वो पूछ रहे हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 7 में बताइए कि इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 7 में 8 में, ये दोनों के दोनों मॉडुलस वाले क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जब मॉडुलस वाला क्वेश्चन है तो मॉडुलस वाले को पहले मुझे मॉड को डिफाइन करना पड़ेगा। देखिए, अगला जो है इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू मॉड x, मॉड x को क्या लिखेंगे? माइनस x, व्हेन x इज लेस देन 0 प्लस का x, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फंक्शन तो डिफाइन हो गया हमारे पास, ये मॉड एक्स की डेफिनेशन है। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स होता है व्हेन एक्स इज लेस देन 0, और प्लस का एक्स होता है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारी मॉड एक्स की डेफिनेशन हो गई। अब देखिएगा इसको हम क्या लिखेंगे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस। अब आप क्या करेंगे, जब x 0 से छोटा है तो fx की जगह आप लिखेंगे माइनस x, x की जगह आप 0 डाल दो तो माइनस 0, माइनस 0 का रिजल्ट क्या हो गया? 0। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकाल लो, यही लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है। एफ एक्स का मतलब क्या है? एफ एक्स क्या होगा? जीरो से जब एक्स बड़ा है, जब एक्स जीरो से बड़ा है तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स है, यहाँ पर एक्स आ गया, सीधे सीधे एक्स की जगह जीरो डाल दो तो डी जीरो हो गया। फंक्शन पर वैल्यू निकाली उसकी, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो और एफ एक्स, इस पर वैल्यू सीधे सीधे निकालो, तो जब वो इक्वल टू जीरो है तब भी उसकी वैल्यू एक्स ही है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो और एक्स, अब एक्स की जगह जीरो डाल दो, ये जीरो आ गया। Therefore, f(x) is continuous at x is equal to 0, कि वो x is equal to 0 पर continuous है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, is the function f defined by f(x) is equal to x minus mod x is continuous at x is equal to 0, continuous है या नहीं है वो बताते हैं। तो अब जो मुझे फंक्शन दे रखा है fx, वो क्या दे रखा है? x माइनस मॉड x,
x माइनस मॉड x, ये दे रखा है। तो ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ये किससे आपको पता लगाना है। देखिए पहले इसको डिफाइन करेंगे, तो एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया x माइनस माइनस x व्हेन x इज लेस देन जीरो। देखिए x पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x को x ही रहेगा, लेकिन मॉड x की जगह माइनस x आ जाएगा व्हेन x इज लेस देन जीरो। उसके बाद बोलेंगे x x माइनस, अब प्लस का x लिखो, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये हो गया, इस तरफ कर रहा हूँ, ये बीच का पोर्शन मिटा कर। देखिए ये हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एक्स प्लस एक्स यानी कि टू एक्स, व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, और एक्स माइनस एक्स ये कट गया यानी कि जीरो, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये हो गया, अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स। तो जब एक्स जीरो से छोटा होगा तब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, टू एक्स, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, ये टू एक्स हो गया तो एक्स की जगह जीरो डाल दो, तो टू इंटू जीरो जीरो, ये हो गया लिमिट x tending to 0 plus fx, तो limit x tending to 0 plus, यानी कि जब x 0 से बड़ा होगा, जब x 0 से बड़ा होगा तो कुछ सोचना ही नहीं, constant value 0, तो इसमें तो x की जगह तो डालूंगा 0, x यहाँ पर दे ही नहीं रखा तो 0 दे रखा है, तो result is 0, और exact function मतलब x is equal to 0 पर value निकालिए, तो जब x 0 के इक्वल होगा तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, अगेन वही 0, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 वही 0, तो रिजल्ट इज 0। देयरफॉर fx इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो भाई हर क्वेश्चन में यही करना है आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, और फंक्शन पर उसकी एग्जैक्ट उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर कंटीन्यूअस पूछ रहे हैं उस पर उसकी वैल्यू निकालनी है, और वो तीनों इक्वल आएंगे तो कंटिन्यूअस है, तीनों इक्वल नहीं आएंगे तो डिसकंटिन्यूअस है। अगला देखिएगा, अगला ये बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, fx इज इक्वल टू 2x वेयर माइनस 3, if x is less than equal to 1, less than equal to 1, and 5 if x is, 5 if x is greater than 1, ये देखो, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या ये फंक्शन ये x is equal to 0 पर कंटिन्यूअस है, तो हम ये कहेंगे कि x is equal to 0 पर ये कंटिन्यूअस होगा, ऐसे ही बता रहा हूँ, कैसे होगा, क्योंकि x is equal to 0 किस उसमें लाई करेगा, x is equal to 0 x less than 1 की कैटेगरी में, 1 से छोटा ही तो होता है 0, तो वो इस कैटेगरी में लाई करेगा, तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी मुझे यही फंक्शन डालना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट पे भी यही फंक्शन, और x is equal to 0 पर भी यही फंक्शन, तो तीनों में हमारा रिजल्ट जो है वो माइनस 3 ही आएगा। आप ये देखो करके बताऊँगे, x is equal to 0 पर हमारे लिए x is equal to 0 पर आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि x is equal to 0 पर हमारे पास फंक्शन यही लेना है, मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट में भी 2x square minus 3 लेना है, राइट हैंड लिमिट में भी, और फंक्शन की वैल्यू पर भी यही वैल्यू लेनी है, तो इसका मतलब तीनों पर हमारा 2 into 0 का square is, ये तो 0 हो गया, 0 minus 3 आएगा, यानी कि रिजल्ट minus 3 आने वाला है, तो
तो तीनों वैल्यू इक्वल होंगी, इसका मतलब हमारा x इज इक्वल टू जीरो पर ये कॉन्टिन्यूस होगा। लेकिन x इज इक्वल टू वन पर, x इज इक्वल टू वन पर अब मामला गड़बड़ है, कि लेस देन वन पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और, ग्रेटर देन वन पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और। तो इसको करना होगा, एट x इज इक्वल टू वन कर रहा हूँ मैं, एट x इज इक्वल टू वन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो पहले, तो लिमिट x टेंडिंग टू वन माइनस एफ एक्स क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू वन माइनस, और एफ एक्स की जगह ये डालो टू एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, तो ठीक है, क्योंकि x टेंडिंग टू वन माइनस है यानी कि x की वैल्यू वन से छोटी है, तो इसलिए मैंने ये वाला फंक्शन ले लिया टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाला। तो लिमिट x टेंडिंग टू, अच्छा सॉरी अब तो कुछ है नहीं, तो सीधा x की जगह वन डालिए, तो टू इंटू वन का स्क्वायर माइनस थ्री, मतलब टू माइनस थ्री, तो रिजल्ट इज माइनस वन, ये हो गया। और ऐसे ही जब मैं ये कहूँगा लिमिट x टेंडिंग टू वन प्लस एफ एक्स, ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू वन प्लस और फाइव, जो कॉन्स्टेंट फंक्शन है इसका रिजल्ट सीधा सीधे फाइव आ गया। जब इसका रिजल्ट सीधा सीधा फाइव आ गया तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये आपका, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो फंक्शन की वैल्यू निकालने का भी क्या फायदा, डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। बताइए समझ गए कि नहीं, ठीक है ओके। अभी देखिए जरा, ऐसे ही अगला जो है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है हमारे पास, 10 में दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, और जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसको जब डिफाइन करेंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स अपॉन माइनस एक्स, ये एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है ना, ये दो कैटेगरीज में स्प्लिट हो सकता है, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो जो जीरो के बराबर नहीं है, तो यानी कि या तो वो जीरो से छोटा है या फिर वो जीरो से बड़ा है। तो अगर एक्स जीरो से छोटा है तो मैं मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स लिख दूंगा, मैंने एक्स इज लेस देन जीरो। इसी तरीके से अगर x 0 से बड़ा है तो मैं mod x की जगह plus x लिख दूंगा और 0 लिख दूंगा if x is equal to 0, अगर ये है तो। तो यहाँ इससे ये कैंसिल आउट हो गया 1 upon 1, ये माइनस 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 व्हेन x इज लेस देन 0, प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, 0 when x is equal to 0, 0 when x is equal to 0। तो ऐसे ही बता दो, क्या इसको करके दिखाने की ज़रूरत है? आप देखो जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे ना 0 पर तो वो आएगी माइनस 1, उसका रिजल्ट, क्योंकि कॉन्स्टेंट फंक्शन है उसका रिजल्ट आएगा माइनस 1, जब राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो प्लस 1, फंक्शन की वैल्यू निकाल कर दिखाने की जरूरत ही नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यानी इक्वल हो गई तो फंक्शन क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस। 10th का फर्स्ट पार्ट का आंसर देखिए डिसकॉन्टिन्यूस, समझ गए होंगे आप, बोलिए समझ में आ गया इतना, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए 10th का सेकंड पार्ट देखते हैं जरा, 10th का सेकंड पार्ट मैं इस तरफ करवा रहा हूँ,
रखा है सेकंड पार्ट में x माइनस फोर अपॉन टू मॉड x माइनस फोर ये दे रखा है, करते हैं इसको। x is equal to x minus 4 upon 2 into mod x minus 4. X is not equal to 4. Zero. When x is equal to 4, तो x is equal to 4 पर इसकी continuity या discontinuity वो check करनी है। देखिएगा मॉड एक्स माइनस फोर को डिफाइन करेंगे हम तो कुछ इस तरह से, हम ये कहेंगे मॉड एक्स माइनस फोर, पहले अलग कर रहा हूँ इस फंक्शन से, अलग कर रहा हूँ सिर्फ मॉड एक्स माइनस फोर की बात करता हूँ। तो मॉड एक्स माइनस फोर, जब मॉड एक्स का फॉर्मूला होता है कि मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वन एक्स इज लेस देन जीरो प्लस एक्स वन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ऐसे ही यहाँ पर मॉड एक्स माइनस फोर का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस फोर when x minus 4 is less than 0 and plus of x minus 4 when x minus 4 is greater than equal to 0। ये समझ में आ गया? आप बस ये देखिए, सिर्फ x की जगह x minus 4 कर दिया है। बताइए भाई, तीनों बच्चे बताएं, यहाँ तक समझ में आ गया? Yes sir. ठीक है, अब देखिए कि अब minus 4 को उधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस फोर, व्हेन माइनस फोर को उधर ले गए तो एक्स इज लेस देन फोर और एक्स माइनस फोर, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, ये हो गया। अब इसको यहाँ अप्लाई कर देंगे कैसे, ये एफ एक्स इज इक्वल टू ऊपर तो है एक्स माइनस फोर अपॉन टू इंटू ये जो मॉड एक्स माइनस फोर है इसको लिख देंगे माइनस माइनस ऑफ एक्स माइनस फोर, कर्ली ब्रैकेट में डाल देंगे, ठीक है मॉड हट गया। ये कब होगा, इसकी वैल्यू माइनस ऑफ एक्स माइनस फोर कब होगी, जब एक्स फोर से छोटा होगा। तो एक्स नॉट इक्वल टू फोर का मतलब क्या है कि एक्स या तो फोर से छोटा होगा या बड़ा होगा, तो ये वैल्यू मैं कब लूंगा, व्हेन एक्स इज लेस देन फोर, फिर x माइनस फोर अपॉन टू इंटू मॉड एक्स माइनस फोर की जगह अब सीधा x माइनस फोर ही लिख लो। ये कब होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, लेकिन मैं सिर्फ इक्वल टू फोर लूंगा क्योंकि x इज इक्वल टू फोर पर वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है फंक्शन में जीरो, ये जीरो व्हेन x इज इक्वल टू फोर। अब देखिए यहाँ x माइनस फोर से x माइनस फोर कट गया, यहाँ पर भी x माइनस फोर से x माइनस फोर कट गया, तो fx is equal to 1 upon 2 into minus 1, तो 2 into minus 1 कितना हो गया minus 2, तो ये हो गया minus 1 by 2 when x is less than 4 और ये 1 upon 1 तो इसका और नीचे 2 है तो 1 upon 2 when x is greater than 4, ये हो गया, and 0 when x is equal to 4, भाई इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो वैल्यू आएगी माइनस टू, राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो वैल्यू 1 बाई 2, फंक्शन तक जाने की जरूरत ही नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में अनइक्वल आ रही हैं। तो जब ये दोनों अनइक्वल आ रही हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं है। बताइए जी, इतना समझ गए? अब इसकी एक्सरसाइज आज ही कंप्लीट करिए, इसकी एक्सरसाइज आज ही कंप्लीट करिए, एक मिनट वेट करें जरा। ठीक है, बताइए समझ में आ गया? बोलिए।